सभी माता पिता की इच्छा होती है कि उनकी संतान उच्च शिक्षा प्राप्त कर श्रेष्ठ जीवन यापन करे। अमीर हो या गरीब, हर कोई अपने तरीके से बच्चे को पूर्ण रूप से शिक्षा दिलवाने के लिए कोशिश करते हैं, परंतु मेहनत के साथ साथ किस्मत का होना भी जरूरी है, क्योंकि हमारा संपूर्ण जीवन नवग्रह एवं 12 राशियों पर आधारित है। शनि ऐसा क्रूर ग्रह है जो बच्चों की शिक्षा प्राप्ति में अकारण बाधा एवं परेशानी पैदा करता है। यदि शनि प्रतिकूल स्थिति में है तो अनेक प्रकार के विलंबन उत्पन्न करता है। आत्मविश्वास में कमी, स्मरण शक्ति की कमी, एकाग्र चित्त की कमी, पढ़ाई में मन नहीं लगना, सब कुछ आते हुए भी परीक्षा स्थल पर भूल जाना या फिर भरपूर मेहनत के उपरांत भी यथेष्ट फल की प्राप्ति न हो पाना, यह सारी स्थितियां यदि आपके बच्चे में भी नजर आती हैं, तो घबराएं नहीं, शीघ्र ही मंगवाए गुरुदेव द्वारा विशेष रूप से अभिमंत्रित, जिसमें आप पाएंगे विद्यादायक सरस्वती यंत्र, अभिमंत्रित सरस्वती रुद्राक्ष, विद्या प्रदायक पोटली, सरस्वती उपासना पुस्तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 02915190000 243 2625 9829026625। जन्म कुंडली विश्लेषण। आमतौर पर हमने देखा है कि लड़का जो है वो थोड़ा सा एक्टिव होते हैं और घर के बाहर का काम संभालना, थोड़ा सा नीडर देखा गया है और आउटस्पोकन, बहुत सारी चीजें। लेकिन लड़कियों में शर्म होती है, घर संभालने की कला होती है, परिवार को संभालने की कला होती है, ये सारी चीजें होती है। लेकिन किसी भी वजह से एक लड़की जो लड़के से कम नहीं है तो माता पिता के लिए गर्व की बात होती है, लेकिन गर्व के साथ एक चिंता और बढ़ जाती है। आज मैं जिस लड़की की बात करने जा रहा हूं, उसकी उम्र 20 साल और 10 महीने है। बचपन से ही वो क्लास की मॉनिटर रही, स्कूल की हेड गर्ल बनी फिर बाद में, लेकिन कभी भी उसने लड़कियों वाले कपड़े नहीं पहने। बॉयकट बाल रखती है, जीन्स टी शर्ट बॉयज जो पहनते हैं वही पहनावा वो बच्ची पहनती है। इतना बढ़िया उसने काम किया कि देखते ही देखते लोगों को लगता था कि हमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन इस लड़की के पास है। मुंबई में पली बड़ी और वहां पर उसने कॉलेज में पढ़ाई की। कॉलेज में वो नेता बन गई, छात्र नेता, और फिर वहां से उसने जीत भी हासिल की। अभी वर्तमान में ये लॉ कर रही है और ये चाहती है कि हिंदुस्तान के एक्टिव पॉलिटिक्स में मैं एंटर करूं, मेरे लिए बीजेपी को ज्वाइन करना कैसा रहेगा। दूसरी बात, क्या मैं आगे जाकर विधायक और सांसद बनना, कोई मंत्री पद मिल सकता है। मैं अपने समाज परिवार के लिए कुछ अलग करना चाहती हूँ और मेरे अंदर जो एनर्जी लेवल है वो बहुत हाई है, मैं 20 घंटे लगातार काम कर सकती हूँ। लेकिन माता पिता कहते हैं ये सारी चीज़ें देवी आपके अंदर बड़ी अच्छी है, लेकिन लड़कियों वाले तुम्हारे अंदर कोई गुण नहीं है, हमारे पास आज तक हमें ये लगा ही नहीं कि तुम कभी शादी करोगी। वो लड़की कहती है मुझे शादी करनी ही नहीं है। माता पिता कहते हैं कि जी हमारे को लोग क्या कहेंगे, समाज वाले परिवार वाले लोग क्या कहेंगे। माता पिता की एक ही चिंता कि ये शादी ब्याह करके अपने जीवन में सेटल हो जाए। लड़की चाहती है कि मैं कभी शादी नहीं करूंगी और पॉलिटिक्स में जाना चाहती हूँ, लॉ करके कुछ बड़ा काम करना चाहती हूँ। इन्हीं चंद सवालों के जवाब हम इस जन्म कुंडली के माध्यम से देखेंगे और विश्लेषण करेंगे, निष्कर्ष और उपाय के साथ इस कार्यक्रम को खत्म करेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं क्या है इस बच्ची के ग्रहों का खेल। इस वक्त ये जन्म कुंडली आपके सामने जो 5 नंबर से शुरू होती है, इसे हम सिंह लग्न की कुंडली कहते हैं। सिंह का मतलब ही शेर है, यानी जंगल का राजा कौन, शेर, जो किसी से डरता नहीं है। तो ये लड़की वैसे भी नहीं डरती है। फिर सिंह लग्न एक राजसी लग्न है, राजपाट शान और शौकत की जिंदगी, अपने तरीके से जिंदगी जीना, थोड़ा सा डोमिनेट करने का नेचर रहता है। इसमें जन्म लेने की प्रकृति का जो प्रकृति जो होती है लोगों की, वो डोमिनेट करने की, अपनी टांग आगे रखने की प्रकृति ज्यादा होती है। लेकिन गजब की इच्छा शक्ति जरूर रहती है। ऐसे लोग जो ठान लेते हैं उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती उसे पूरा करने के लिए। जोश जुनून जज्बे से ओतप्रोत होने के अलावा हर किसी के लिए अच्छी दोस्त और मददगार साबित होते हैं। ज्यादातर सिंह लग्न वाले लोग कम बोलते हैं। लग्न लॉर्ड सूर्य भाग्य भाव में विराजमान है। जहां पर देखिए एक नंबर लिखा हुआ है, सूर्य यहां पर उच्च राशि के और स्वग्रह मंगल के साथ है। भाग्य भाव में विराजमान होकर मित्र मंगल के घर में सुखेश और भाग्येश मंगल के साथ, सुख स्थान जहां पर 8 नंबर लिखा हुआ है, भाग्य स्थान जहां 1 नंबर, इन दोनों के लॉर्ड मंगल बनते हैं जो सूर्य के खास दोस्त हैं। वे उस घर में विराजमान होकर पराक्रम शक्ति, संपन्नता, अद्भुत सामर्थ्य शक्ति, लीडरशिप की भावना देते हैं।
क्योंकि मंगल को हम ज्योतिष में सेनापति कहते हैं, सेना का अधिपत्य रखना, सेना को कमांड करना। हजारों लाखों की सेना होती है, उसमें सेनापति उनको कमांड करते हैं। यह शक्ति इनके अंदर कूट कूट के भरी है, लीडरशिप क्वालिटी। यही योग राजनैतिक क्षेत्र में भी उत्तम सफलता प्रदायक है। कर्म स्थान के लॉर्ड, जहां पर दो नंबर लिखे हुए वृषभ राशि के लॉर्ड, वो शुक्र प्रॉफिट हाउस में विराजमान है, जहां तीन नंबर लिखे हुए हैं। और खुशी की बात देखिए, प्रॉफिट हाउस यानी लाभेश 11th हाउस के लॉर्ड बुध 10th हाउस में। आप मेरे घर में, मैं आपके घर में, शुक्र बैठे हैं बुध के घर में, बुध बैठे हैं शुक्र के घर में। ये जो कर्म और लाभ स्थान का जो परिवर्तन राजयोग है, ये बहुत श्रेष्ठ राजयोग है। ऐसा लगता है कि आपके माता पिता को भी एक दिन आपसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, इतना जबरदस्त राजयोग है। और ये ज्योतिष प्रेमी अच्छी तरह देख चुके हैं कि भाग्य इतना मजबूत, कर्म स्थान और लाभेश का परिवर्तन राजयोग, और क्या चाहिए इंसान को। आगे बढ़ते हैं। दशमात दशम यानी 10th हाउस से 10th हाउस, यानी 10th हाउस का जो 10th हाउस होता है वो सप्तम भाव होता है, जहां पर दो नंबर लिखे हैं इसका जो 10th हाउस होता है वो 11th नंबर होता है, जो कुंडली का 7th हाउस होता है। इसके जो यहां पर चंद्रमा विराजमान है सप्तम भाव में, 12th के लॉर्ड जहां चार नंबर लिखे हुए नाच भाव के लॉर्ड चंद्रमा केंद्र में विराजमान है। हायर एजुकेशन के बाद एक्टिव पॉलिटिक्स राजनीति के कारक ग्रह राहु शनि व चंद्रमा की स्थिति को देखते हुए आप राजनीति में सफल जरूर होंगे। चंद्रमा केंद्र में विराजमान हो, चंद्रमा के अंदर ऑटोमेटिकली इनबिल्ट 16 कलाएं हैं। तो राजनीति के देखिए कि कोई दोस्त परमानेंट नहीं है, कोई दुश्मन परमानेंट नहीं है, कोई भी पार्टी आपके लिए परमानेंट नहीं है। आप आज किसी को गालियां दे रहे हैं, कल उसके साथ गले में हाथ डाल के घूम रहे हैं, ये हम रोज देखते हैं। और ये मूर्ख बनाने का धंधा भी है। तो हम जैसी भोली भाली जनता को बेवकूफ भी इसी तरीके से बनाया जाता है, और हम बन भी जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। 7th हाउस जो कि विवाह और गृहस्थ सुखों के होता है, यहां के लॉर्ड बनते हैं शनि, 11 नंबर कुंभ राशि के लॉर्ड शनि बनते हैं। शनि 8th हाउस में विराजमान है, वो भी केतु के साथ, वीक पॉइंट है, जिसे हम श्रापित दोष पितृ दोष के नाम से भी जानते हैं, जो विवाह में डिले करवाते हैं, लेकिन यह विलंब आगे जाकर अच्छा फल देता है। आप लोग एक चीज को ध्यान रखिए, किसी की 23 साल में शादी होती है और 30 साल में उसका डाइवोर्स हो जाता है, किसी की शादी 30 साल की उम्र में होती है, 80 साल तक पति पत्नी साथ में भी रहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 21 साल की उम्र में ग्रेजुएशन पूरी कर ली, लेकिन 5 साल तक अच्छी नौकरी के लिए वेट करते गए। कोई इंसान 25 साल की उम्र में कंपनी का CEO बन गया और 50 साल की उम्र में मृत्यु भी हो गई। और देखिए, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे मिस्टर बराक ओबामा, वो 55 साल की उम्र में रिटायर हो गए और 70 साल की उम्र में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं। कोई चीज जल्दी नहीं है, कोई चीज लेट नहीं है, आप अपने सही समय पर चल रहे हैं। सप्तम भाव में विराजमान चंद्रमा सभी कलाओं से परिपूर्ण उत्तम जीवन साथी की प्राप्ति के लिए सहायक है, लेकिन 30 साल की उम्र से पहले शादी नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं। इनके माता पिता को सलाह दूंगा कि इनके विवाह की आप चिंता नहीं करें, चिंतन करिए। आपके जल्दीबाजी विवाह करने के लिए फोर्स करने की वजह से बच्ची विवाह नहीं करेगी, उल्टे आपसे संबंध जरूर तोड़ देगी। बेहतर है कि बच्ची के ऊपर छोड़ दीजिए, इसकी किस्मत आप और बच्ची नहीं लिख रही, ऊपर वाला परमात्मा लिख चुका है, जो हम सब की लिखता है। अच्छा सुयोग जीवन साथी मिलने पर परिवारजनों की जो रंग खुशी होगी, लेकिन बहुत टाइम लगेगा इसके अंदर। लेकिन तुम एक अच्छी लड़की हो, बहुत अच्छी तरक्की भी करोगी, लेकिन अपने माता पिता की भावनाओं का ख्याल भी रखना चाहिए, उनको प्यार मोहब्बत से समझाना चाहिए। आज आप शादी नहीं करना चाहती है, आप 28 साल के बाद आपका खुद का मन करेगा, तो उनको ये बोलिए मैं शादी के बारे में वक्त आने पर सोचूंगी। विवाह के लिए हाँ अवश्य आप कर दें, आप इन्हें अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए, क्योंकि आज आप जो कुछ भी माँ बाप के आशीर्वाद की वजह से ही हैं, इसलिए थोड़ा सा इंतजार माता पिताओं को भी करना होगा। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा भाव जहाँ पर 9 नंबर लिखे हुए हैं, वहाँ पर देवताओं के गुरु बृहस्पति का स्वग्रही स्वयं की राशि में विराजमान होना, देवगुरु बृहस्पति महादशा 23rd January 2024 तक रहेगी। यह समय आपको सेटल करने की दृष्टि से श्रेष्ठतम रहेगा, साथ ही इस समय अवधि में जीवन के सभी महत्वपूर्ण कार्य आपके पूर्ण हो जाएंगे। लॉ की पढ़ाई आपके लिए अच्छी रहेगी, एक्टिव पॉलिटिक्स में आप भाग लीजिए। किस पार्टी में आपको जाना है, बृहस्पति अगर स्ट्रांग हो तो इंसान को BJP ज्वाइन करनी चाहिए, और अगर शनि स्ट्रांग हो तो कांग्रेस ज्वाइन करना चाहिए। अदर पार्टीज के बारे में अगर आप सोचते हैं तो उनके लिए भी अलग अलग प्रकार की हम लोग राशि के अनुसार और ग्रहों के अनुसार कॉम्बिनेशन देखते हैं, लेकिन आप BJP ज्वाइन कर सकती हैं। आपका राजनीतिक करियर 34 साल की उम्र में परवान चढ़ेगा, तो बेहतर है कि अभी आप एक अच्छे सेवक की तरीके से आप काम करते रहें, और अपने अनुरूप इंसान को स्वयं को ढालना चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं वो सफल भी होते हैं। एक जमाना था जब महिलाएं अपने पिता के घर से पति के घर डोली में विदा होती थी, और उसका अधिकतर समय चूल्हा चौखा बर्तन और पारिवारिक
जिम्मेदारी को पूरा करने में होता था। अब जमाना बदल चुका है, महिलाएं घर से बाहर निकलकर नौकरी, व्यवसाय, एक्टिव पॉलिटिक्स और भी बहुत सारे काम करने लगी है। पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। ऐसा भी देखा गया कि पति से ज़्यादा तरक्की भी पत्नियां कर लेती हैं। इन सभी क्षेत्रों में अपनी सफलता का लोहा भी इन्होंने मनवाया है। अगर घर की चार दीवारी यह ना लांघती तो हमें इंदिरा गांधी, नीता अंबानी, सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला जैसी स्पेस शटलर भी नहीं मिलती। उपाय क्या है जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं? लगातार 8 शनिवार शनि मंदिर में घोड़े की नाल से निर्मित शनि छल्ला चढ़ाइए अथवा शनि की काली वस्तुएं शनि मंदिर में दान करनी चाहिए। लोहा अपने वजन के बराबर साल में कम से कम 7 बार दान करिए। अमावस्या के दिन बहते पानी अथवा नदी किनारे पितृ दोष निवारण के लिए नारायण बलि, नागबलि, त्रिपंडी, कर्मकांडी विद्वान पंडित से संपन्न करवाइए। विवाह बाधा निवारक साधना माता पिता को करनी चाहिए। अभी से करना शुरू करेंगे तब जाकर 8 साल बाद शादी का योग बनेगा। विवाह होने तक 5 रत्ती का नीलम पन्ना जड़ित सिद्ध बीसा यंत्र में गले में धारण कर लीजिए। तो ये था इनकी जन्म कुंडली का विश्लेषण। गुरुदेव सुरेश श्री माली जी से व्यक्तिगत मिलने के लिए संपर्क करें। क्या आपको गुरुदेव सुरेश माली जी से मिलने का समय चाहिए? क्या आप वर वधु की कुंडली का मिलान करवाना चाहते हैं? या फिर सुरेश माली जी से फोन पर संपर्क कर अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं? साथ ही श्रीमाली जी की यात्राओं एवं उनके प्रवास की संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तथा गुरुदेव द्वारा बताई गई सभी तरह की साधनाओं तथा पूजन सामग्रियों की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं? अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0291-519-0000, 243-2625, 9829-02625। जन्म कुंडली विश्लेषण। एक महिला जब शादी करती है तो अपना परिवार, अपना सब कुछ छोड़कर पति के साथ रहती है, होने वाले बच्चों के साथ जीवन यापन करती है, अपने परिवार, सास ससुर, अपने जो भी सगे संबंधी हैं उनके साथ वो अपना जीवन यापन करती है और अपने पति परिवार की सुरक्षा, सुख समृद्धि के लिए कई प्रकार के व्रत करती हैं, पर्व करती हैं, त्याग करती हैं, बहुत कुछ ऐसा करती हैं जो शायद पति ना कर पाए। आज मैं ऐसे ही 31 साल और 7 महीने के पति की बात कर रहा हूँ जो कि मंगल प्रदोष का व्रत करते हैं अपनी पत्नी के लिए, श्रावण के 4.5 सोमवार में रुद्राभिषेक करते हैं, घर में शिव और पार्वती की जैसे जोड़ी इनकी बनी रहे, हर सोमवार को ये व्रत करते हैं कि हमारी पति पत्नी के संबंध अच्छे रहे। तकलीफ क्या है कि इनकी जो पत्नी है वो शादी करके तो इनके पास आई लेकिन अपना परिवार, अपने माता पिता, आस पड़ोस का माहौल, अपने फ्रेंड्स उनको इतने ज़्यादा पसंद है कि वो हर 10-12 दिन में अपने गाँव चली जाती हैं और वहाँ पर समय व्यतीत करती है और उसमें उनकी माँ मदद करती है। माँ बार बार पति को कहती है भाई तुम अपना सब कुछ छोड़कर हमारे गांव में सेटल हो जाओ। ये कहते जी मैं अपने माँ बाप को छोड़कर कैसे कहीं सेटल हो सकता हूँ। अब ये पूजा पाठ करते हैं, सारे काम करते हैं लेकिन पत्नी इनको ब्लैकमेल करती है क्योंकि इनकी एक बेटी हो चुकी है और ये बेटी से मिलने के लिए बड़े तड़पते हैं, हर कुछ दिनों में चले जाते हैं। ये चाहते हैं कि हम पति पत्नी साथ में रहें। चूँकि पत्नी गांव में पैदा हुई है उनकी कोई डेट ऑफ बर्थ, टाइम प्लेस कुछ भी नहीं है इसलिए हम उनका विश्लेषण नहीं कर सकते हैं लेकिन 31 साल और 7 महीने के इस पुरुष की कुंडली का विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि इतना बढ़िया इंसान जो देखने को भी नहीं मिलते हैं, जो अपने पत्नी और परिवार के लिए व्रत रखता हो, 30 त्योहार पर सारे कर्म करता हो, हर बात में झुकने की कोशिश करता हो, ऐसा क्या राजयोग है और ऐसा क्या दुर्योग है कि जो इनकी पत्नी इनके साथ नहीं है, बेटी का सुख नहीं मिल पा रहा, क्या कारण है? आइए जन्म कुंडली पर निगाह डालते हैं और देखते हैं क्या है इनके ग्रहों का खेल। इस वक्त ये जन्म कुंडली आपके सामने है, देखिए 7 नंबर की कुंडली है, तुला लग्न की कुंडली कहलाती है और लग्न से 7th हाउस जहां पर 1 नंबर लिखा हुआ वहां पर राहु विराजमान है, वो 7th हाउस पत्नी का होता है,
जिसमें राहु का विराजमान होना अपने आप में ही एक षड्यंत्र बताता है। सेवंथ हाउस में मंगल की राशि में राहु का विराजमान होना अपने आप में पत्नी के व्यवहार को ब्लैकमेलर तक बना देता है, क्योंकि राहु एक छाया ग्रह है जो सब पर छाया है, जो कि बेस बदल कर अमृत पान किया और तब आज हम सब उसे प्लैनेट मान रहे हैं। अब यहां पर मंगल टेंथ हाउस, जहां पर चार नंबर लिखे हुए हैं, वहां पर नीच राशि के विराजमान है, जो अपनी नीचता दिखा रहे हैं, वह भी पत्नी के कारक ग्रह शुक्र के साथ विराजमान हो गए हैं। अब एक प्रकार से पत्नी अपनी जगह पर कुछ हद तक सही हो सकती है। कई लोगों के शादी के बाद अपने ससुराल में मन नहीं लगता है, लेकिन सूझबूझ आपसी प्रेम संबंध से कुछ चीजें ठीक की जा सकती है। परंतु यहां पर नीच का मंगल और शुक्र एक प्रकार से दो शादी कराने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। शुक्र मंगल का कॉम्बिनेशन लग्न में विराजमान शनि और केतु का जो श्रापित दोष, हालांकि शनि उच्च राशि के, परंतु केतु के साथ बैठने से पितृ दोष और श्रापित दोष बन गया, जिनकी सातवीं दृष्टि, यहां देखिए सात से एक की तरफ एक एरो जा रहा है, ये सेवंथ हाउस पर दृष्टि और दसवीं दृष्टि टेंथ हाउस पर है, तो भाई पत्नी के हाथ में ब्रह्मास्त्र तो लग ही चुका है। और शनि एक सेपरेशन करने के लॉर्ड है, जो कि संबंध विच्छेद करवाते हैं। जितने भी लोगों के डाइवोर्स होता है, सेपरेशन होता है, हस्बैंड वाइफ में तकलीफ होती है, अलग रहते हैं, वो सब ये शनि का ही कमाल रहता है। क्योंकि एक बार पत्नी की उचित और अनुचित मांग को आपने पूरा कर लिया, इसीलिए अब वह हर बात में आपसे टेक्निकली अपनी बात मनवा रही है और पति की सहृदयता एवं भोलेपन का लाभ उठाकर पति को परेशान कर रही है। क्योंकि लग्न में शनि केतु, उस पर राहु की दृष्टि के कारण ऐसे लोग दिल के बड़े अच्छा इंसान होते हैं, ढंग से अगर 15-20 मिनट इनके सामने कोई रोने लग जाए तो अपने कपड़े भी उतार कर अगले को पहनाते, इतने दिल के अच्छे इंसान होते हैं। और व्रत पूजा पाठ करते हुए बहुत कम मैंने अपनी जिंदगी में लोग देखे जो अपनी पत्नी के लिए व्रत करते हैं, और ये करते हैं क्योंकि एक बेटी भी है। आगे बढ़ते हैं। समय बड़ा बलवान है, समय बदलते समय नहीं लगता है। कुंडली में पराक्रमेश, जहां पर नौ नंबर है, धनु राशि, और सस्टेश छठा घर, जहां 12 नंबर लिखे हुए, इन दोनों के लॉर्ड बनते हैं देवताओं के गुरु बृहस्पति। वो फोर्थ हाउस जो सुख का घर है वहां विराजमान है। बृहस्पति की अमृतमय शुभ दृष्टि, हालांकि नीच राशि के हैं, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि में अमृत है। देखिए पांचवी दृष्टि एट्थ हाउस पर, 10 से लेकर 2 की तरफ एक एरो जा रहा है, जो पत्नी की वाणी का होता है, लेकिन बृहस्पति नीच के हैं। जब आप बृहस्पति को बलवान करेंगे तो पत्नी की वाणी से देवज्ञता आएगी और वाणी में मिठास होगी और आप दोनों के संबंध भी अच्छे होंगे। सोचने समझने की शक्ति का विकास होगा, अपना भला बुरा सोचने की क्षमता इनके अंदर जागृत होगी। सातवीं दृष्टि सेवंथ हाउस के लॉर्ड मंगल और सेवंथ हाउस के कारक ग्रह शुक्र पर बन रही है, 10 से 4 की तरफ एक एरो जा रहा है। और वहीं नवमी दृष्टि ट्वेल्थ हाउस, जहां 6 नंबर कन्या राशि पर जा रही है, जो पत्नी के साथ शैया सुखों का होता है, अर्थात पति पत्नी को छोड़कर अपने मायके जाने के बाद भी नहीं करेगी, अगर आप ढंग से इसका उपाय कर लेते। देवताओं के गुरु का बल देखकर स्वयं आप अपने मन में उत्पन्न हो रहे कायरतापूर्ण और सुसाइड करने के ख्याल के विचार को छोड़ दीजिए, क्योंकि जीवन अमूल्य है, भगवान की देन है, और जीवन में तकलीफें किसे नहीं है। बताइए, एक इंसान डॉक्टर बनता है तो क्या भगवान को उसके लिए पेशेंट नहीं बनाने पड़ेंगे? एक व्यक्ति लॉयर बनता है, जज बनते हैं, पुलिस में जाते हैं, तो उनके लिए अपराधी बनाने पड़ेंगे? ये सिस्टम है भगवान का, हम सबको पाल पोस कर बड़ा करना है, किसी को सुख देंगे, किसी को दुख देंगे, लेकिन आज दुख है तो कल सुख जरूर होगा, क्योंकि एक रात कितनी भी कोशिश कर ले सवेरा नहीं होने दूंगी, वो नहीं कर पाएगी, हार जाएगी वो, क्योंकि सवेरा होकर रहेगा। इसे कभी भी आपको दुख हो, तकलीफ हो, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, वक्त बदलता है, वापस ठीक होता है। आगे बढ़ते हैं। लग्न भाव में उच्च राशि के शनि और फोर्थ हाउस में नीच के गुरु वक्री होकर, वो भी उच्च का फल देने से आप इस सुसाइड और नेगेटिव विचार को त्याग देंगे तो यही अच्छा रहेगा। ये दोनों ही ग्रह आपको मजबूती दे सकेंगे। 12 जुलाई 2018 व 20 अगस्त 2019 से दशाओं के अनुकूलता बने रहने से यह समस्या आपकी दूर होने लग जाएगी। इस कुंडली के अनुसार आपका जो लग्न में शनि विराजमान है, जो मैंने बताया कि उच्च राशि के हैं, हालांकि आपकी कुंडली के अंदर इतने बढ़िया राजयोग है, परंतु दुर्योगों का समय चल रहा है। अब मैं आपको एक नवमांश कुंडली बताता हूं, उससे और ज्यादा स्थिति क्लियर हो सकती है, ताकि हम आगे के पॉइंट पर बात कर पाएंगे। इस वक्त ये नवमांश कुंडली आपके मौजूद है, मिथुन लग्न,
लगन के लॉर्ड बनते हैं, तीन नंबर से कुंडली शुरू होती है, लगन के लॉर्ड बनते हैं बुध, वो नाइन्थ हाउस में विराजमान है जहां पर 11 नंबर लिखे हुए हैं, नीचा रोही हालांकि, और टेंथ हाउस में मंगल केतु अंगारक दोष। टेंथ लॉर्ड गुरु ट्वेल्थ हाउस में विराजमान है जहां पर 2 नंबर लिखे हुए हैं, और उसकी पांचवीं दृष्टि फोर्थ हाउस पर, देखिए 6 नंबर पर जा रही है, और सातवीं दृष्टि सिक्स हाउस पर, और नौवीं दृष्टि एट्थ हाउस पर है। ये सारी दृष्टि आपके संतान सुख और संतान से सुख के लिए श्रेष्ठ है, और थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा, उससे आपका ये दाम्पत्य जीवन ठीक हो सकता है। कुंडली में आपको 2018 का इंतजार करना होगा, और निष्कर्ष क्या निकलता है आज की हमारी बातचीत का, कि परिवर्तन संसार का नियम है, लेकिन जब यह परिवर्तन अच्छाई भलाई नेक कार्यों का हो तो इंसान की जीवन शैली बदल जाती है। घर परिवार में खुशियों का वातावरण बना रहता है, पति पत्नी का रिश्ता भावनात्मक होता है जिसमें रूठना और बनाना तो चलता ही है, लेकिन ब्लैकमेल करना, धोखा देना किसी को शोभा नहीं देता है। आप अपनी बेटी को क्या सिखाएंगे कि आप अपने पति को छोड़ चुकी हैं, तो आपकी बेटी भी आगे वैसा ही काम करेगी। हमारे ऋषि मुनियों ने पति पत्नी के रिश्ते को जन्म जन्मांतर तक अटल रहने का उल्लेख शास्त्रों में दिया है। अब कुछ उपाय बताने जा रहा हूं श्रीमान, जो आपके करने से वाकई में आपको लाभ मिलेगा और आप दोनों साथ में वापस अच्छे ढंग से रह पाएंगे। सबसे पहले नासिक त्र्यंबकेश्वर या किसी बहते हुए जल के आसपास नारायण बलि, नाग बलि और त्रिपंडी तीन पूजा करवाइए, जो पितृदोष और श्रापित दोष के लिए होगी। आप नित्य गुरु के मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः का जाप करें, इससे आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। लगातार 14 मंगलवार हनुमान जी को आंकड़े के पुष्पों की माला चढ़ाएंगे तो लाभ मिलेगा। 46 दिन तक लगातार शुद्ध केसर का प्रयोग अपने जीभ पर करिए, तो आपको धीरे धीरे आपके पत्नी के प्रति आकर्षण बढ़ेगा और वो वापस लौट कर आएगी। आगे अगर यह प्रयोग 46 दिन के बीच में छूट जाए तो पुनः प्रारंभ करके इसको कंटिन्यू करके पूर्ण करना होगा, और दाम्पत्य जीवन का अनुमान प्रयोग करिए। ये सारे उपाय करने के बाद आप खुद पति पत्नी दोनों मिलकर मुझसे मिलने के लिए आएंगे, ये मेरा वादा रहा आपसे। दोस्तों अगर आप ऐसी या किसी और प्रकार की तकलीफ से गुजर रहे हैं तो मैं करूंगा आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण, करूंगा आपके उपाय। आप हमारे जोधपुर स्थित कार्यालय में संपर्क करके अपनी सारी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे सारे वीडियोज को आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं, सब्सक्राइब का एक छोटा सा बटन और बाकी वीडियोज की जानकारी भी आपको देगा। फेसबुक से जुड़ सकते हैं ताकि हम और आप मिलकर एक नए मुकाम तक पहुंच सकें। तो आज के लिए मुझे अपनी वाणी को यहीं विराम देने के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। सुख समृद्धि ऐश्वर्य चले आए आपके द्वार, हर व्यक्ति के मन में सदैव यही इच्छा रहती है कि जैसे भी हो उस पर मां लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे, उसके व्यवसायिक स्थल अथवा घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास हो। यदि आपके परिवार पर ऋण का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा हो, आपके घर में कलेश, लड़ाई झगड़ा एवं तनावपूर्ण स्थितियां बनी रहती हो, व्यवसायिक प्रतिष्ठान में उन्नति न हो पा रही हो, आय की अपेक्षा व्यय अधिक बना रहता हो, रोग ने घर में पैर पसार लिए हो, कुल मिलाकर घर एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान में हानि, परेशानी व चिंताएं बनी रहना, इन सभी समस्याओं का निराकरण है संपूर्ण सुख समृद्धि किट। यदि आप भी अपने घर एवं व्यवसायिक स्थल में स्थायी सुख संपत्ति, ऐश्वर्य व समृद्धि प्राप्त कर मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज ही अपने घर में स्थापित करें प्राण प्रतिष्ठा युक्त अभिमंत्रित संपूर्ण सुख समृद्धि किट। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 02929 0002 6 2 5 9 8 2 9 0 2 6 2 5 8 9 5 8 9 6 2 5 ईमेल info@grahukakhel.com.in, वेबसाइट www.grahukakhel.com.in।